दोस्तों नमस्कार, पाइपिंग एंड मैकेनिकल ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग में यूज होने वाले सिंबल्स के बारे में, वाल्व, रेड्यूसर, टी, एल्वो, इन सब का सिंबल कैसे होता है, क्योंकि इंटरव्यू देने के लिए और पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग को रीडिंग करने के लिए इन सब सिंबल्स का जरूरत पड़ता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले फ्लेंज के सिंबल्स के बारे में। यह है वेल्डनोक फ्लेंज, यह लो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। इसका फिगर यह है, इसका सिंबल इस प्रकार है। यह सबसे ज़्यादा आइसोमेट्रिक ड्राइंग में यूज होता है, आप देखे होंगे। सॉकेट बेल्ट फ्लेंज, इसका फिगर यह है, इसका सिंबल इस प्रकार है। थ्रेडेड फ्लेंज, यह कम डाया के लिए यूज किया जाता है, इसका फिगर यह है, इसका सिंबल इस प्रकार है। स्लिप ऑन फ्लेंज, यह लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, यह इसका फिगर यह है, इसका सिंबल इस प्रकार है। लेफ्ट जॉइंट फ्लेंज, इसमें दो पार्ट होता है, स्टबिन एंड फ्लेंज, इसका फिगर यह है, इसका सिंबल इस टाइप का होता है। ब्लाइंड फ्लेंज, ब्लाइंड फ्लेंज का फिगर यह है, इसका सिंबल इस टाइप का होता है। यह फ्लेंज वाल्व और नोजल को एंड करने के लिए यूज किया जाता है। अब जानते हैं वाल्व के बारे में। वाल्व को तीन टाइप से ज्वाइन किया जाता है, बॉट वेल्डिंग के द्वारा और फ्लेंज ज्वाइंट के द्वारा और सॉकेट या थ्रेडेड के द्वारा। तो अब ये है गेट वाल्व, गेट वाल्व का यह बॉट वेल्डिंग सिंबल है या फ्लेंज सिंबल है। सबसे ज़्यादा जो प्लांट में यूज होता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, आप देखते होंगे कि यह फ्लेंज सिंबल का ही यूज किया जाता है। सॉकेट, यह सॉकेट वेल्ड सिंबल है, यह भी गेट वाल्व भी है। ग्लोब वाल्व, ग्लोब वाल्व का बट वेल्ड सिंबल है, यह फ्लेंज सिंबल है, यह सॉकेट वेल्ड सिंबल है। बॉल वाल्व, बॉल वाल्व यह बट वेल्ड सिंबल है, यह फ्लेंज सिंबल है, यह सॉकेट वेल्ड सिंबल है, यह भी बॉल वाल्व ही है। प्लग वाल्व, प्लग वाल्व का यह बट वेल्ड सिंबल है, यह फ्लेंज सिंबल है, यह सॉकेट वेल्ड सिंबल है। बटरफ्लाई वाल्व, बटर यह बट वेल्ड सिंबल है, यह फ्लेंज्ड सिंबल है, इसमें सॉकेट टाइप का बटरफ्लाई वाल्व नहीं आता है। यह नीडल वाल्व, नीडल वाल्व में इस प्रकार का बट वेल्ड सिंबल होता है, यह फ्लेंज सिंबल है, यह सॉकेट वेल्ड सिंबल है। डायफ्राम वाल्व, डायफ्राम वाल्व बट वेल्ड टाइप का डायफ्राम वाल्व नहीं आता है, इसमें फ्लेंज सिंबल है, यह सॉकेट वेल्ड सिंबल है। नेक्स्ट वाल्व है वाई टाइप वाल्व, इसका ये बट वेल्ड सिंबल है, यह फ्लेंज टाइप सिंबल है, ये सॉकेट वेल्ड सिंबल है। नेक्स्ट है थ्री वे वाल्व, ये बट वेल्ड सिंबल है, ये फ्लेंज टाइप सिंबल है, ये सॉकेट वेल्ड सिंबल है। नेक्स्ट है चेक वाल्व, यानी NRV के बट वेल्ड सिंबल है, ये फ्लेंज टाइप सिंबल है, ये सॉकेट वेल्ड सिंबल है, ये भी एक टाइप का चेक वाल्व है। नेक्स्ट है बॉटम वाल्व, बॉटम वाल्व में बट वेल्ड और सॉकेट टाइप का वाल्व नहीं आता है, यह फ्लेंज टाइप सिंबल। यह है रिलीफ वाल्व, यानी PSV प्रेशर सेफ्टी वाल्व, इसमें भी बट वेल्ड और सॉकेट टाइप का PSV नहीं आता है, यह फ्लेंज टाइप रिलीफ वाल्व। अगला बात करने वाले हैं एल्बो के बारे में। एल्बो, ये 90° का एल्बो है, ये इस प्रकार बट वेल्ड सिंबल होता है, ये सॉकेट वेल्ड सिंबल है, ये थ्रेडेड वेल्ड सिंबल है, ये थ्रेडेड वेल्ड एल्बो है, फिगर देख सकते हैं। ये 45° का एल्बो है, ये इस प्रकार होता है बट वेल्ड सिंबल, ये सॉकेट वेल्ड सिंबल है, यह थ्रेडेड वेल्ड सिंबल है। टी, ये इक्वल टी का बट वेल्ड सिंबल है, ये सॉकेट वेल्ड सिंबल है, ये थ्रेडेड वेल्ड सिंबल है। टी रिड्यूसिंग, यानी अनइक्वल टी,
ये बट वेल्ड सिंबल है, ये सॉकेट वेल्ड सिंबल है, ये थ्रेडेड वेल्ड सिंबल है। कैप, ये बट वेल्ड सिंबल है, ये सॉकेट वेल्ड सिंबल है, ये थ्रेडेड वेल्ड सिंबल है। नेक्स्ट है रेड्यूसर, रेड्यूसर ये कंसेंट्रिक रेड्यूसर है, ये बट वेल्ड सिंबल है, इसमें सॉकेट और थ्रेडेड नहीं आता है। ये इसेंट्रिक टाइप का रेड्यूसर है, ये बट वेल्ड सिंबल है, इसमें भी सॉकेट और थ्रेडेड टाइप का रेड्यूसर नहीं आता है। अब जानते हैं कुछ स्पेशल कंपोनेंट के बारे में। यह है ओलेट, जो हेडर में लगाया जाता है, इसका यह बट वेल्ड सिंबल है। यह है निपोलेट, इसका बट वेल्ड सिंबल है। यह है फ्लैंज टाइप आउटलेट, यह इसका बट वेल्ड सिंबल। यह स्पॉट ब्लाइंड है, जो फिगर देख रहे हैं, यह है इसका सिंबल बट वेल्ड सिंबल, स्पॉट ब्लाइंड का। यह है स्पेक्टिकल ब्लाइंड, इसका ये बट वेल्ड सिंबल है, ये स्पॉट टाइप का ही होता है, इसमें केवल एक ओपन रिंग ऊपर जुड़ जाता है। यह हैमर ब्लाइंड, इसका बट वेल्ड सिंबल है। यह है स्पेसर, इसका बट वेल्ड सिंबल यह है। यह है ओरिफेस, इसका बट वेल्ड सिंबल है। यह है फील वेल्डिंग, ये सबसे ज़्यादा जो आप मतलब आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देखेंगे फील वेल्डिंग, यह बट वेल्ड का सिंबल है। ये पाइप टू पाइप कनेक्शन का सिंबल है। नेक्स्ट है पाइप बेंड, ये पाइप बेंड का सिंबल है। नेक्स्ट है साइड ग्लास, ये साइड ग्लास का सिंबल है। ये व्हील, व्हील का डायरेक्शन किधर रहेगा इसका ये सिंबल है। यह स्टेनर, ये स्टेनर का सिंबल है। यह स्टेनर कॉनिकल स्टेनर, यह इसका ये दोनों सिंबल है। और आज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हो सकता है सब्सक्राइब भी कर लिया हो, घंटी भी बजा दी हो, लेकिन अपने 3-4 दोस्तों को कम से कम फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें कि वो भी बेल आइकन को प्रेस करें और वहां तक ये नोटिफिकेशन जा सके। अगर मेरे वीडियो से मदद होती हो तो हर बार मेरे रिक्वेस्ट किए बिना लाइक कर दिया करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।